पढ़ूंगा जब बुढ़ापे आ जाएगा, यह ध्यान करना। तो भाई प्रेमी सजनों, शुद्ध आदमी हो, खानदानी हो, किम में कर लो। जिसका बाढ़ की तेरे बापू की तेरे भाई, किम में खाओ किम में पियो, भाई उड़े सब डरे हैं। आराम खोल कर दिया महाराज, मेरे तो सॉरी बहुत से हैं। मैं टोंदा फिर जाऊँ, भाई कोई सा जीव मिल जा, अगर जो दुनिया से परे हो, मांस मिट्टी हो, कावेरी शराब तो आँखों से दूर हो, चेतन के विश्व अनुभव वाले, लेकिन नहीं मिलते। अरे कदा झूठ बोल कर जो हम तो हाथ भी लाते, और फिर ब्याह पाचा ला के उछलन। तो भाई हम तो हाथ जोड़ के जो कहा, हाँ हमारी बेटी अन्ना दुखी करियो। बाकी भाई फिर सब तो ठाडा ऊपर भी बैठा है, हम तो कुछ नहीं, बस इतना ही प्रार्थना है। बाकी हमारी जातगी में कोई कमी पावे, घर तक गिर दी पावे, तो भाई हम जिम्मेवार हैं। माँ बाप की सेवा नहीं करे, हरी कैबत में नहीं रहे, लेकिन ज्ञान ऐसा देना है भाई जो कि तो राजी हम राजी। वीर मर्द का जोड़ा ये बना है, अब जो मर्द कह दे सो वीर, जो वीर कह दे सो मर्द। लेकिन बात ऐसी कहनी चाहिए कि दूसरे पर दबाव नहीं होना चाहिए, अगर भाई ये ऐसे करना ना, मर्जी दोनों के होने चाहिए। ये सुसह है, ये तो कथा ना मांगे बोला बकरी का अपने करा ले ना, कथा ना उसे मेरा तीन बाबरी दो से मेरा तीन हो हैं, मेरा दो हैं, मेरा तीन हो हैं, मेरा दो हैं, तलाक मार दे मेरा तीन हो, बोला मान गई न्यू मांगे मांगे था, तो न्यू नहीं मनाना ना। और धांग नहीं है इनके, मेहरबानी पर हाथी सा कर दिया, सा बीच का मार दिया, नेक नेकी सेना है बेटा सभी को। दो चार दिन रोटी को तो देखो कर की बेरा पड़ जाएगा, बहुत मुश्किल धंधा है इनका, बिचारिया का रोज का इन्हें न्यू संतान क्या का साग बजाते सो मावे बहुत। प्रगति का बाग लगा ले रहे मेवा उपजे देर सुमार, प्रगति का बाग लगा ले मेवा उपजे देर सुमार, धरती बना ले राम नाम का बीज मंगा ले, सतनाम के बैल जोड़ा ले, पाया की धरती मंगा ले राम नाम का बीज मंगा ले, तो हम के बैल जोड़ा ले, फिर लाके फूल हजार धरती का बाग लगा ले, फिर लाके फूल हजार मन अपने लाले मारी, मन अपने लाले मारी, तेरे बाग की कर रखवाली, तेरे बाग की कर रख, सिंध के डहरी रह डारी, सिंध के डहरी रह, फिर लाके फूल हजार रह भक्ति का बाग लगा ले, फिर लाके फूल हजार रह भक्ति का बाग लगा ले, भक्ति का बाग लगा ले, भक्ति का बाग लगा ले, देवा उपजे दे समार भक्ति का
चातर कर मन अपने चातर कर तेरे बाप की खातर कर तेरे बाप की खातर छल कपट न धोर हटा कर छल कपट न धोर हटा कर सत की चौकीदार होता भाग लगा ले सत की चौकीदार भक्ति का भाग लगा ले मेवा उपजे बेशुमार भक्ति का भाग लगा ले कबीर कथ कह गावे साहिब कबीर कथ कह गावे हरिजन प्यारा बाग लगावे हरिजन प्यारा बाग लगा अमर रहे फिर अमर फल खावे अमर रहे फिर अमर फल खा हो जा बेड़ा पार भक्ति का भाग लगा ले हो जा बेड़ा पार भक्ति का भाग लगा ले मेवा उपजे देश मार भक्ति का भाग लगा ले साथ साहे देखिए कोई भी काम करना है जिसने गुरु को धारण कर लिया तो सलाह जरूरी है उसमें। गुरु कभी भी ऐसी सलाह नहीं देगा ना गुरु संकेत करेगा ना गुरु शिष्य पर दबाव देता है। गुरु भीख मांगता है कि बेटा ये बात है तो गलत। माँ बाप भी कहता है बेटा इधर नहीं जाना चाहिए उधर जाना चाहिए। अगर बच्चा नहीं मानता माँ बाप की तो फिर पछताता है बाद में। फिर पछताने से कोई लाभ नहीं होने वाला। क्यों पढ़ के समझना है या समझ के पढ़ना है बताओ बेटा। पढ़ के समझना है कि समझ के पढ़ना। धन्यवाद बहुत बढ़िया। पहले उसको समझना है फिर पढ़ना है। और जो पढ़ के समझेगा तो कुछ हासिल आने वाला नहीं है। वो तो ठोकर खा कर चोट मार के फिर घर बैठ कर पट्टी करवाओगा। हमने यहाँ से चलना है दिल्ली की तरफ तो किसी से रास्ता पूछ लेना चाहिए भाई कौन सी सड़क पर के जावा। वो सड़क जो पड़ बना था बन लिया कि नहीं बन लिया। वे रास्ता सही है कि नहीं है कहीं सड़क टूटी हुई तो नहीं है। फिर दिल्ली के लिए चलो। आँख मीच कर चलोगे तो मनमानी से रोड पर लाग दो कि वो टूटा फूटा पावे। आगे मनमाने जाकर 15-20 किलोमीटर पर बंद भी पा जा वो पड़ बंदा पा जा फिर वापस आना पड़े। तो हमें पहले सोच करके जब चलना चाहिए। समझना है समझ कर पढ़ना सारा ध्यान लगा करके उसको न समझना है कि यो के कह रहा है के नहीं कह रहा। इस पाठ को पढ़ने से आईटीआई भर में कर दें आईटीआई करूं के नहीं करूं। अगर उसमें दाखिला ले दिया तो फिर उसमें भी हमें बहुत तरक्की करनी है। और फिर आईटीआई लेकर फिर उसमें दिल नहीं लगा मन तो वह ले लिया ये तो 2 साल का कोर्स है इतना क्या होगा क्या नहीं होगा सब कम होगा। जब मैं 1982 में डाकखाने में मुझे नौकरी था होती बहुत बढ़िया तनख्वाह 125 रुपये थी। मैं कहा 125 रुपया में क्यों आज वो पेंसिल आए हैं उस टाइम के लागे हुए 80,000 रुपये तनख्वाह पेंसिल आए हुए हैं। तो जब 125 का आए बहुत कुछ आज आ करता फौज में 70 रुपये तनख्वाह थी 8 रुपये तनख्वाह थी कितने 20 थी कितने 22 थी। तो उस टाइम सारे जमाना सस्ता था। अब तो महंगाई है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं कहता हूँ सोचना है हमें खर्चा निजाज नहीं करना। अपनी चादर से पाँव इतने पसारने हैं जितनी चादर दबजा पाँ तड़े उगड़े रहेंगे तो मच्छर लड़ेंगे। आमदनी 100 की है तो खर्चा 80 का होना चाहिए। 20 रुपये हमें पाछे ज़रूरी चाहिए। आमदनी 100 की है खर्चा 120 का तो टोटा ज़रूर आओगा। ये तुम घर की लक्ष्मी हो इतना तुम सोच लिया करो कि भाई हमें ज़रूर बचना चाहिए कुछ न कुछ जो कि हमारे संकट में काम आवे।
कर्जा चढ़ाना है तो 5-7 रुपये हर महीना फालतू खर्चे जाओ, आप पे कर्जा हो जाएगा। और 5-7 रुपये बचे जाएंगे तो कर्जा तो ना होगा, जिसे थे उसे रह जाएंगे कम से कम। इसी का नाम सत्संग है। घर में हर एक चीज़ सोचनी है, आमदनी के अनुसार अपने काम करना है। भाई हमारी माता बहन इस घर में 5-6 माता बहन हैं, छोटे बड़े सर्विल का काम है, तड़के रोटी बड़ा आसान, रोटी बड़ा दिन में से किमें करो। शहराम बहुत काम है, टेलरिंग चल रही है, यहाँ हमारी जो है रिश्तेदारी में तो भगतनी की बहन है और फौजी पेंशनर है और 5-4 किले हैं और 5-7 प्लाट ले रही है, फिर भी सिलाई करने जाए ये जोगले जागले समय है किसके। बना जाऊंगा तो तेरे पीछे काट जाऊँ, इतना काम उनका डेली। और बहू ला रखी है कपड़े की दुकान पर, कपड़े लेडीज की दुकान है कपड़ा पर। तो काम करना चाहिए, सारा परिवार काम करेगा, छोटा मोटा काम करने का कोई डर नहीं होता। जब सारे कमा के जाओगे तो फिर घर का कुछ नारा चांदना होगा। जब कमाओ एक हो, खानी है 5-7 हो, तो महंगाई का जमाना है। पहले तो 5-7 आदमी, एक आदमी 10 आदमियों का पूरा पार दिया करता। क्यों सारे साग सब्जी घर खेता में होया कर दे, कोई बथुआ तोड़ लेंदा, कोई गांडल, कोई साटी, कोई किमें, और चीज़ों का था ही नहीं। साल में एक बार लू दिखा कर दे, अब तो 12 मास आलू उड़े रहे हैं। और वह बिहानी है, एक मेरी शिष्या है, वह 4 ड्राम ऊपर कटवा गु लाम्बे लीले लीले और छत पत्थर रही है, उसमें सारी सब्जी उगाती है, बहुत बढ़िया। छत के ऊपर जाकर देखो हर एक सब्जी मिलेगी। एक ड्राम में भिंडी ला रखे हैं 5-7 पेड़े, एक में घिया तोरी की बेल चढ़ा रखी हैं, एक में पालक ला रही, पुदीना का पेड़ा ला रही, मरुआ ला रही, मर्च का पेड़े ला रही दो। तो ये बात नहीं जिसने ये मंडियाँ की सब्जी नहीं खानी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ छपरे है। ये भिंडी ले आओ, भिंडी के ऊपर बहुत सपरे है, घिया के ऊपर सब सुए हैं और गोभी के ऊपर बहुत सपरे है। वो सपरे तुमने सोचो पानी में धोने लिख गया, जो फूल ने भीतर पी लिया सपरा तो जहर हमारे भीतर जाकर बढ़ेगा। तो इसलिए थोड़ा खाओ, सुथरा खाओ। मेरी माता 2-4 भिन्ना आम भी लाओ काची, उसे चटनी बना ले, उसका साग बना ले, कदे भी गर्मी कौन लागे, एक गुड़ की डली छोड़ दे, बढ़िया साग अम्बे का खाओ। कम से कम 3-3 महीना साग खा कर दे अम्बिया का, इब कहीं पाछे भी ना बनगा, उसमें गर्मी नहीं लगे। अगर दिन लोगों ने उन लोगों ने खान पान का बेरा था, आजकल क्या कौन बेरा क्या है, कभी वो रबड़ी बना कर दे, रोज रबड़ी पी के जा कर दे, उसमें गर्मी नहीं लगे। से शरीर बंदे गुरु के बिनारे, सुनायो मन से शरीर बंदे गुरु के बिनारे, सुनायो मन से शरीर प्यारे गुरु के बिनारे, गुरु के
ऋषि मुनि और ब्रह्मचारी, ऋषि मुनि और ब्रह्मचारी, ज्ञान बिनाए गृह नारी, ज्ञान बिनाए गृह नारी, उदाना भगवती मशीरे भावे गुरु के बिनाए, उदाना भगवती मशीरे भावे गुरु के बिनाए, सुनायो मन से शरीर बंदे गुरु के बिना है। बड़े बड़े योद्धा जग में होंगे, बड़े बड़े राजा जग में होंगे, लड़ते झगड़ते हमरा खोगे, लड़ते झगड़ते हमरा खोगे, लगन निशान तीर बंदे गुरु के बिनाए, लगन निशान तीर बंदे गुरु के बिनाए, सुनायो मन से शरीर बंदे गुरु के बिनाए, गुरु के बिना रे, गुरु के बिना रे, गुरु के बिना रे, गुरु के बिना रे, सुनायो मन से शरीर गुरु के बिना रे। जी पंडित जग में हो, काजी पंडित जग में आए, बुद्ध धर्म का राना पाए, काजी पंडित जग में आए, बुद्ध धर्म का राना पाए, लेकिन मन की तस्वीर बने गुरु के बिनाए, बिना मन की तस्वीर बने गुरु के बिनाए, सुनायो मन से शरीर बने गुरु के बिनाए। गच की देखी नुगरा कहता गच की देखी, संत नजरा से देखी, संत नजरा से देखी, जाहिर में तस्वीर बने गुरु के किनारे, जाहिर में तस्वीर बने गुरु के बिनाए, सुनायो मन से शरीर बने गुरु के बिनाए। धर्म दास की अर्ज गोसाई, धर्म दास की अर्ज गोसाई, दिन दर्शन ना जीऊ साई, दिन दर्शन ना जीऊ साई, मिल गए साहेब कबीर नंदे गुरु के बिनाए, मिल गए साहेब कबीर बांधे गुरु के बिनाए, सुनायो मन से शरीर बांधे गुरु के बिनाए। तो गुरु कहते हैं ज्ञान को, ये नहीं समझना
जिसने ज्ञान हो जाएगा हर एक बात का वो कभी मार नहीं खांदा। दरखास्त दिया है थाने में कि फिर हरे आ रहे हैं गांव में, ये पुलिस आगे कहाँ आ रहे हैं? मेरा जो दरवाजे कह रहे थे दरवाजे कट्ठे हुए आदमी भाई फिर हरे कहाँ मेरा जो खेता कह रहे थे। जब तक पेटा नहीं भरे जब तक आगे बात नहीं बढ़ानी चाहिए हमें, ये बकाई बकुई तो पशुओं में भी नहीं रह रही आजकल आदमी आम ज्यादा है। कदे कच्छा दारी आ जा नीम टांगेंगे सारी बार ना गया, कदे चोटी काटनी आ जा लगाइया में ज्यादा फंडसन फिर हरी चूड़ी पहनेंगी उसके जो ना पहरेगी उसके न्यू होगी। क्यों इन दुकानदारों थोड़ा पीछे कट्ठे करके अखबार में कटवा दे बहरिया कपड़ा नहीं बेखदा गने दिन का थम रहा है। हाँ वो जो हरा सूट नहीं पहरेगे उसके न्यू होगा न्यू होगा। तो माता कुछ नहीं होना जिसको रखे साइया बस इतना ध्यान करा करो बाल में बाका होवे आगे बोलो ठीक है बेटा धन्यवाद बन गया कवि। एक दो घना नहीं 10 मिनट साहेब की किताब में जरूर लगाना चाहिए ताकि आगे आने वाली बुद्धि में आगे का आदमी नहीं मिलेगा इन मिंडकान समझान खातर नहीं रहे। दो चार बात ज्ञान की कबीर साहब ने किस खातर बोली इंसानों का मामा है ना आज पूरी की पूरी 36 की 36 जात जो है एक कबीर साहब के ज्ञान से मुंडरान लाग रहे ऊपर मेरे आज राधा स्वामी हो चे को धंधन गुरु हो चे को सत्साहेब का हो सब कबीर साहब की बाणिया लेकर और अपनी छाप भी लान लाग रहे हैं उसकी बाणिया को ऊपर। कबीर साहब ने कुछ नहीं छोड़ा। रविदास जी और कबीर साहब जी दोनों को भाई थे रामानंद के शिष्य थे दोनों ज्ञानी पुरुष थे। बाकी और बाद में आए इनके 1484 चेले थे रामानंद के ये हिंद में तो ये मैसूर 9 चेले हुए थे। दादू है नानक है कबीर है रविदास है धन्ना है नामदेव है सैन भगत है ये जो है ना ये संत जो है ना पृथ्वी पर थे और आज का ही संकेत चलेगा। तो सबसे पीछे रह गया महाराज जो लाया वाला सब आगे था जो लाया ना जो है ना थोड़ा सा और टेस्ट चाहिए ज्यादा। वो धंधन करो वाला बड़गे खाकी ड्रेस लाला सारे अकूड़े किम्मे खाओ से कबीर पंथ दिया छोड़ के कबीर साहब ने कहा था मैं जो दरका होगा सो मारा नहीं तो ना और हम बढ़ गए अपने छोड़ कर। तो भाई हम तो मरगाम वाले का आकर मेरा बड़े सोरे की सगाई करे जो फरमान में शर्त लाग रही धनका ब्याह दिया सोरा मैं धनक सो तो कबीर का चेला रहा धनक सर मारा कोई बात नहीं किम में कहो से ये फिर परसों एक बार बगी नाइट पकड़ी मैंने बोला समार से मैं बोला मैं तो सब कम हूँ फिर नहीं बेरा तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैंने जात पात उस दिन खो दी थी जिस दिन कबीर की शरण में चला गया था ना आज लोग किसी आगे बताई कि मैं कौन सी जात है शाम का छोड़ा है शाम तो नारा को है नहीं। तो इसलिए माता मैं ये कहता हूँ अपनी दृष्टि सही रखो अपनी दृष्टि में खोट ना रखो पाप का निहाथ ना उठाओ धर्म का निहाथ बढ़ाओ खाओ जो कुछ चीज करे लेकिन इस हाथ से कुछ पुण्य भी करो थोड़ा मोटा मारने निकल के देखो रोटी खाने के बाद कोई कुत्ता कोई पशु कोई पक्षी भूखा तो नहीं बैठा तड़के उठ के आन के एक रोटी भोर के ऊपर बगा दी थोड़ा पानी रख दिया कोई ना कोई जरूर कुछ ने खागा। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक रोटी गौ की काट दे कुत्ते ही काट दे इतना धर्म जरूर होना चाहिए खर्चे तो नहीं चले जाएंगे जो जमा धर्म नहीं करता वो भी गुजारा कर रहा है और जो छक्कर धर्म कर रहा है उसका गुजारा चल रहा है। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ जो धर्म करता है उसका सही चल रहा है मुंजी कुछ सौदा नहीं है और सबके भी छोड़ जा गाड़ है
गेला शरीर भी नहीं जाता तो फिर केले जगह धर्मदास ने बनिया था दोस्त मैं मानो रोटी खुआ रोटी खा करता। एक दिन वो सेठानी ने बोला तू रोटी बना ले, मैं देख के लाऊं को मेहमान पा जा, तो आज मैं मानने आ मैंने भूखा रहना पड़ेगा। तो मैं मानन टोन जा रहा था कि देखो साधु फकीर मिल जा को भूखा नंगा, वो ना मिला। आया देखा तो रोटी कौन ला रही किकरी की लाकड़ी थी, हजारा कीड़ी बाहर लिखना हजारा जलन लाग रही। वो बोला हो सटाणी तो जलन कर दिया, मेरा तो सारी जिंदगी करा करा खत्म हो गया, इतना पाप कर दिया, बरन कितनी कीड़ी जली है कुकर पूरा करूंगा। मामना का गया बाजा, बोला पंडित जी न्यूर नहीं होगी, बोला कई रोटी पोई है, मेरा छह पूरी है, मेरा छह रोटी लेगा जंगल में चला था और को सात दो पाव उसने खुआ दिए, उस पर चढ़ जाएगा सारा पाप। एक छालने में रोटी ले जाकर कबीर साहब बैठा था, दंडोत करी, बोला महाराज, बोले आओ भाई भगत आओ, बोला महाराज भोजन ले आओ, बोले अच्छा ये हजारा कीड़ी चला का मन खुआना है, यू कह के अंतर ध्यान हो गया। जावे सिटानी ने बोला बस जलम हो गया सिटानी, एक ही साधु देखा था उसने के बराबर कीड़ी चल रही अरने कंधे अंतर ध्यान हो गया। सिटानी जीऊंगा नहीं वो साधु नहीं मिलेगा तो मैं भी खत्म होगा। हे बिला बोले साधु वहां के बुलाना है, भंडारा कर दे चिट्ठी पाड़ दे, वापस नहीं वहां मजूर मक्खी लाल मक्खी आ रहा। 11,000 थी 11 करोड़ की सारी भंडारे कर करके खत्म होगी, कबीर साहब नहीं आया। जब धर्मदास दरिया में कूदन लग गया जान देन खतर के बदन भी गया, साधु के दर्शन नहीं हुए। जब कबीर ने बांह पकड़ी ने बोला आजा रहे, बोले महाराज जी बहुत कठोर हो, मैंने इतने भंडारे करे आप आए नहीं, बोला तेरी घर ने क्या कहा था, मेरा साधु तो नहीं आऊंगा, जो लाल माखी आकर न्यू नहीं आया, आज अब लाइव चेताऊंगा तुम। जब पूर्ण ज्ञान दिया था धर्मदास को कबीर साहब ने, अग भाई तरह घमंड खत्म हो लिया। तो प्रेमी भी सजनों उनसे कोई दूर नहीं है, सबसे महान संत हुए हैं। 700-750 साल पहले उसने भी न्यू गुरु बनाना पड़ा था रामानंद को, रविदास ने और कबीर साहब ने न्यू गुरु बनाना पड़ा था। काल दुनिया न्यू ना कह दे कबीर का गुरु कौन था भाई, वो भी तो बिना गुरु था, हम भी बिना गुरु हैं, उसकी शरण लेनी पड़ी थी। और दोनों के शब्द माता है प्रेम भक्ति गुरु रामानंद लाए करी कबीरा भरपूर, उनने भी अपने गुरु को चिताया है। वो मूर्ति पूजा करा कर दे कबीर साहब ने, इस मूर्ति में कुछ नहीं है महाराज, भक्ति कर ले अपनी, बड़ी गहरी बात है। और बहुत दूर वो घर है साधो, बहुत दूर वो घर है, क्या गावे कुछ समझ दीवाने, मुश्किल धुन पे जादे का डर है, धरो पर लादन दबी के धुन पे जादे का डर है, महादेव ने बख्या हलाहल पिया आठ पैर है।
श्री संत भरतरी गोरख लिया ठेकरा कर है। गोपी संत भरतरी गोरख लिया ठेकरा कर है। साहिब कबीर ने सत नहीं छोड़ा दिया खूब बिस्तर है। साहिब कबीर ने सत नहीं छोड़ा दिया खूब बिस्तर है। जब पूछा उस घर है मंसूर सूढ़ी पे चढ़ गया। जब पूछा उस घर है शेख फरीद कुए में लटका पाया गया बिसर है। शेख फरीद कुए में लटका पाया गया बिसर है। सुल्तानी साहेब मिलन को जमाल उर जर से। सुल्तानी साहेब मिलन को जमाल उर जर से। घर 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 भीख मगन हो मांगी रब इशक ऊपर है। घर घर भीख मगन हो मांगी रब इशक ऊपर है। दूध पिया पत्थर है। नाम देव तन क्या गण राजा दूध पिया पत्थर है। कृपा जाए द्वारका पर कूद गया दरिया है। कृपा जाए द्वारका पर कूद गया दरिया है। बहुत दूर वो घर है द्वारा नाम देव सन त्यागन लाग्या दूध पिया पत्थर है। कृपा जाए द्वारका पर कूद गया सागर है। कृपा जाए द्वारका पर कूद गया सागर है। बहुत दूर वो घर है साधो बहुत दूर वो घर है। क्या बावे मुझे समझ मुश्किल है। Thank you.
सम्मान सच्चे सेवक जिनकी बात अमर है, सेव सम्मान सच्चे सेवक जिनकी बात अमर है, बातों दोनों हद छोड़ते राखी आस अमर है, बातों दोनों हद छोड़ते राखी आस अमर है, अरे बहुत दूर वो घर है साधो बहुत दूर वो घर है, मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल का विषय है, पतिवर का ना घर जावे न्यूसर देवो नर है, जैसे पतिवर का ना घर जावे न्यूसर देवो नर है, नित्यानंद में भोग घुमाने यही कही बर बर है, नित्यानंद में भोग घुमाने यही कही बर बर है, बहुत दूर वो घर है साधो बहुत दूर वो घर है, बीसियां साल के लवे बात चली गई होगी, बीसियां ने तो पता तो हो गए, कोई सा भी तीन लड़के हैं इस घर में, कोई सा भी साहब की बाणी पर लट्टू नहीं होया कि भाई एक दो बाणी सीख लें, गढ़वे का हाथ मारने सीखने, सारी पार्टी गढ़वाल में छह पार्टी तैयार हो रही, ये तो धनी आवाज के धनी थे जो लाए, अब हमारे समारा में चली गई वह धुन, जो लाया ना दो काम पागे डंडा ले और बस चलो हर घूम का। अब रविदास के 4 करोड़ सत्संग हुए, 5 सत्संग तो मन न करे रविदास जयंती के, 5 जब एक आदमी के 5 बार टारे थे तो कितनी कोई होंगी, और कबीर साहब की 50,000 जयंती नहीं बनी, इफ जेठ के वनवासी देख लियो क्यों चंदा करें उसमें भी दारू पी जा मर गा मे, कबीर साहब के 2 लाडू ला कर पी जा दारू फेरे भी, तो प्रेमी सजनों थोड़ा सा बढ़ो, साल मारा एक का आवे है अपने घर घर में 10 रुपया का घना नहीं, पूरे साल कोई सत्संग करवाने की जरूरत नहीं, जयंती में नहीं छोड़ने को करे भी नीचे 10 रुपये नारे काटने लाग जाए, जय घर में काम करें 10-10 उसमें 5-7 हज़ार रुपये हो जाए, बढ़िया जयंती मिल जाए, और कोई भाई मिले उनने भी सलाह देगा आप जपे ओरा नु जपा, कि जितने अड़े जो आए रहते हो उनको जाकर बोलो भाई आज कबीर साहब की जयंती है, जावे कुछ अपने पैसे चंदे तुम भाई कट्टा चीनी दे दे भैया, कुछ 5-4 किलो घी दे दे, जो उसमें भाज भाज का हिस्सा लेगा पुण्य करेगा तो उसको 80% लाभ होता है, देर जो 10 रुपये देगा हाथ पर फिर बातें नहीं पूछे, उसको 10 रुपये लाभ 10% लाभ होता है, जो हांड फेर का चंदा करके फिर उसने लावे हलवाई जावे करके सारी खूब हाथ जमावे, तो प्रेमी सजनों यू मौका फिर नहीं मिले, एक दिन तो कुछ भी नहीं करे साहिब का नाम तो तड़के खड़िया हो जा, और अपने जिसे अपना भी हो तो उस ला दे को पड़ोसी रोड़ा तो उसने बुला ले, एक प्रण कर ले भी बनवासी 10 रुपये हम भी लगाओगे बेटा, और कुछ नहीं गिलना चलता, पता नहीं कब नैया डूब जाएगी, क्यों अंत समय जब 5 दिन मिलेंगे हमने, फिर तो ये गांव वाले भी सलाह दे हैं रिश्तेदारी आओगे क्या ज्ञान सताई ठीक से, फिर दूसरे आ जाएंगे हौसला कर वो ना राम का नाम ले 24 घंटे इतना 5 दिन पूरे हो जाएंगे, वो उनका लखा लखा रोए जागी अल फिर मुक्ति नहीं हुआ, तो अत कहा ना अंत मता सोगता, कोई मैं जानू इसकी दवाई थोड़ी पानी पिया करे तला जाकर जपिया बेटा, देखे किसी की कोई दुख ही नहीं होना चाहिए।